आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। केंद्र सरकार ने कहा है कि वनों पर अधिकार के दावे के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद वह आदिवासी जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव उपाय करेंगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि राज्य सरकारों को वन अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू करने के लिए समय समय पर निर्देश दिए जाते रहे हैं। पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय ने 21 राज्यों को उन जनजातीय और वनवासी समूहों को हटाए जाने के कदमों की जानकारी देने को कहा था जिनके वन भूमि पर दावे खारिज कर दिए गए थे। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और नोडल अधिकारियों को फिर सलाह दी जाती है कि वह छात्रों सहित कश्मीरियों पर किसी तरह के हमले, धमकी और सामाजिक बहिष्कार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वर्ष 2014 की तुलना में लोकसभा चुनाव के पहले सशस्त्र सेना और संबंधित सेवाओं के नामांकित सेवा मतदाताओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। एक वक्तव्य में आयोग ने बताया कि 2019 के चुनाव में कुल 16,62,993 सेवाकर्मियों को सेवा मतदाता के रूप में नामांकित किया गया है। वर्ष 2014 में इनकी संख्या 13,27,627 थी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि सेवा मतदाताओं की संख्या में वृद्धि आयोग के अथक प्रयासों के द्वारा हुई, जिसमें सेवा मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उनके पंजीकरण के लिए विशेष प्रयास किए गए। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि नियमानुसार सभी बचे हुए और ऐसे सेवाकर्मी जो इस सेवा के लिए पात्र हैं लेकिन उन्होंने अपना पंजीकरण अभी नहीं कराया है, वह अभी भी पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक आज भोपाल में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में चर्चा हुई। श्री यादव ने राजनीतिक दलों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2019 के अंतिम प्रकाशन, विशेष कैंप के आयोजन, मतदान केन्द्र, सेवा मतदाताओं, ईवीएम वीवीपैट तथा कॉल सेंटर 1950 के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सभी मतदान केंद्रों के लिए बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने, उनकी जानकारी जिला अधिकारियों को देने, जिलों में ईवीएम और वीवीपैट के लिए फर्स्ट लेवल चेकिंग कार्य में दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों को उपस्थित रखने को अनुरोध किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के कई जिलों में मतदाता सूची का कल अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। शहडोल जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक 5,418 नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं। जिले की तीनों विधानसभाओं में मतदाताओं की संख्या 7,20,975 हो गई है। सूची में नाम जुड़वाने से वंचित रह गए मतदाताओं के लिए जिले के सभी मतदान केंद्रों में आज और कल 2 और 3 मार्च शिविर लगाए जाएंगे। निर्वाचक नामावली में संशोधन के लिए आवेदनों का निराकरण 14 मार्च तक किया जाएगा। वहीं हमारे आगरमालवा संवाददाता ने खबर दी है कि कल प्रकाशित सूची के अनुसार जिले में कुल 4,29,407 मतदाता हैं। मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई रेत खनन नीति को दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि इसे लोकसभा चुनाव के बाद बदल दिया जाएगा। श्री जायसवाल ने पंचायतों को आवंटित रेत खदान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कहीं न कहीं यह दोषपूर्ण है क्योंकि पंचायतों के पास संसाधनों का अभाव है और खदानों में दलालों का प्रभाव है। उन्होंने आगे कहा कि पंचायतों को आवंटित खदानों की जाँच कराई जाएगी, साथ ही दोषपूर्ण इस प्रणाली पर रोक लगाने की कार्रवाई कर लोकसभा चुनाव के बाद नई रेत खनन नीति बनाई जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
आगरमालवा जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। टीकमगढ़ जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए 57 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 10 संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के रूप में चिन्हित किए गए हैं। नीमच जिले में गत एक माह से चलाए जा रहे मीजल्स रोबेला टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 80% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।